33 और 34 में से, जिसके 5 मिलियन व्यूज़ हैं बाय द वे, उसमें कोई अपना फेवरेट सीन बताएं तो मैं शो छोड़ के चली जाऊंगी, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इस दफ़ा वाकई कोई एक सीन कहना कि अच्छा था, बड़ा ज़बरदस्त था यार, व्हाट अ परफॉर्मेंस, दिस इज़ वेरी सैड, क्योंकि मैं जाने जहाँ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और शुरू से मैंने खुल के नंबर दिए और मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये दो एपिसोड्स ये होने ही नहीं चाहिए थे, तो बेहतर था। हाँ, इसमें कुछ ना स्टोरी आगे गई है ना, कुछ हुआ है ये कि... और ये बड़ा अजीब सी बात है क्योंकि जाने जहाँ इज़ अ वेरी फास्ट ड्रामा। मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ। 33, 34 कुछ नहीं हुआ। कैरेक्टर्स इरिटेटिंग कैरेक्टर्स ने इरिटेट किया, वेरी बोरिंग और ड्रैग और चलता जा रहा है। किडनी वो गिरी थी तो किडनी पे चोट आ गई। हाँ, गुर्दा हिल गया, गुर्दा शेक हो गया, डिसलोकेट हो गया, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन मुझे तो लगा उसको कोई सीरियस बीमारी, क्योंकि पहले ही बेचारी को कमजोरी होती थी। उसको डॉक्टर कह रहे थे विटामिन डी की कमी है, कर ले जाए, कैल्शियम की गोलियां दें, विटामिन डी। आई थॉट इट वाज गोइंग टू बी लिटिल मोर डेडली देन, मुझे यही लगा तब कि डेडली कोई बीमारी है, तो फिर मजा आता। मेरे को लगता है कुछ हुआ है ड्रामे में। इसमें तो कुछ नहीं हुआ बहन, सिर्फ गुर्दा हिला है। अब वो पता नहीं, असल में डायरेक्टर चाह रहा है कि इनको ना मैं करीब लाऊं, हमजा और आयजा मिले तो कुछ शायद कुछ हो जाए। स्कूल के सीन्स इंतहाई तकलीफ देते, जो एग्जिबिशन जिसकी इजाजत ली गई बहुत ही सस्ती और फुस एग्जिबिशन थी, बिल्कुल फुस। नहीं एग्जिबिशन, मुझे बताएं राइटर बार बार स्कूल की एक्टिविटी हमें क्यों दिखा रहे हैं, हम स्कूल से बोर हो गए। प्लीज इस स्कूल को इस ड्रामे से निकाल दें, स्कूल ने ड्रामे के ना किट लगा। स्कूल में कोई और स्टाफ नहीं है, और उस एग्जीबिशन में भी वही तीन लोग हैं, और वही आर्किटेक्ट भी आ जाता है। एग्जीबिशन में क्या कर रहा है बैठ के चीजें, आर्किटेक्ट भी आ रहा है पुराना, तारे जमीन पे वाली एग्जीबिशन हो गई, उसने मैं भी बनाता हूँ। अच्छा उन्होंने सोचा जो तारे जमीन पे हो सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो अच्छा, और दूसरा है कि आर्किटेक्ट इतना आपको इरिटेट कर रहा है कि उसको सारे साइंस अब समझ आ गए कि लड़की मुझमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये तो मुझे देख के मुस्कुराती भी नहीं है, फिर भी कहानी आगे नहीं बढ़ रही। उसने तो बता दिया था, उन्होंने 30 एपिसोडों से बताया लड़की को कि शादी से डायरेक्ट निकाह हो रहा है, तो वो डायरेक्ट निकाह के लिए कैसे मान गया भाई। अब वो लड़का तो मम्मी बहुत जल्दी में है। मुझे जो अच्छा लगा इसमें, अच्छा फिर और अजीब बात कि आपको वो देखो इतना अमीर आदमी ज़ीकियो जो इसकी बीवी है, वो तो पूरी पीरनी थी वहां के एरिया की, और बेटी मतलब तबरेज इतना एक्सपोज हो रहा है, उनको फिर भी यहां शादी करनी, कौन है ये। तो ये वो थोड़ा जो बेहतर लगता है जो इसका मैं इंतजार करती हूँ, होता है गुलजेब और तबरेज का सीन। अच्छा उधर वो डेढ़, मैं कहती हूँ मिनट में इतना कुछ हो गया जो यहाँ डेढ़ घंटे में नहीं हुआ, तो बड़ा स्विफ्ट था कि भाई मुझे, और मुझे अच्छा लगा गुलजेब का कि तो मैं बदनाम हो रही हूँ, या तो सही तरह मुझे एक्सेप्ट करो या छोड़ दो, और वो फिर अपना सामान पैक करके ले आ। तो तबरेज ने मुझे इम्प्रेस किया इसमें एपिसोड्स में, ये बाय दो छोटे छोटे सीन्स थे जो मुझे अच्छे लगे, बट द रेस्ट ऑफ एपिसोड 33 एंड 34 ऑफ जाने जहां अनफॉर्चुनेटली वाज स्लो एंड बोरिंग फॉर मी, मिस द मार्क हो गया इसका, नहीं मजा आया। और ये स्कूल हटा दो, स्कूल बंद कर दो, छापा पढ़वा दो, कुछ कर दो, यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही, यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही, यहाँ दो साहब हैं एक लड़की है और रोमांस चल रहा है कुछ अजीब सा, ये स्कूल बंद करा दो, बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, बंद करा दो। तो आप जरा आप थम्स अप दिखा के या थम्स डाउन क्या दिखा आपने? सैडली मैं सोच नहीं सकती थी कि जाने जहाँ के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, ये सैड। अब आई होप के नेक्स्ट एपिसोड से गेम जरा बेहतर हो जाए। बताइए जिसका इलेक्शन है 7 दिनों में, उसके पास इतना टाइम है कि वो कराची चला गया घर को पेंट करवाने, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, जिसका इलेक्शन है अभी 5-6 दिन में, वो चला गया पेंट करा लूँ मैं, बाथरूम की सेटिंग करा लूँ, पाइप शाइप सही है सब कुछ, you know, important है, elections से ज़्यादा important है, we can't pipe have, में पानी आना चाहिए, perfection, पंखे से हवा निकलनी चाहिए, चूल्हे में गैस आनी चाहिए, बस क्योंकि आ रही है आयजा, वो इससे चला गया कराची, लेकिन धागा रहा इलेक्शन का भाई, मैं तो जा रहे हैं घर सेट करने, बराती आएंगे, मेरा तो thumbs up है, I've enjoyed, रुबीना जी आप इस कश्ती में मेरे साथ सवार है या आप उस नहीं, 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 उस कश्ती में तो हम आज हमारे साथ नहीं है कोई, आज मैं और रुबीना जी वहां मरीना के लिए उस कश्ती में। बात करूं इन दो एपिसोड में जो एक ही सीन मुझे अच्छा लगा राइटिंग वाइज डायलॉग वाइज, वो था हमजा और उसकी मदर का, जहां वो माँ को वो रोकती है उसको, और उसके बाद कराची जा रहा था उस टाइम,
तो जो उसने कन्फ्रंट किया उसको फॉर द फर्स्ट टाइम बड़ा क्लियरली फ्रीली कि आपकी वजह से आप ही उसको लेके आई थी मरियम नफीस को घर में, आपने उसको निकाला, फिर यू आर द स्कीमिंग मदर, और उसके बाद जो सारे र्यूमर्स फैलाए आपने फैलाए, आपने सारा कुछ किया और आपकी वजह से उस लड़की को इतनी प्रॉब्लम हुई है. तो वो पावरफुल सीन था, अच्छा सीन था. आगे एक और सीन जो बहुत अच्छा हो सकता था वो था अब्दुल और माँ का. बहुत वीक, बिल्कुल गिर गया अब्दुल. क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रही, मम्मी क्या जा रही है समझ नहीं आ रही. और वो बड़ा मोमेंट ऐसा था कि और अब्दुल नाराज़ है माँ से, उसको भी नाराज़ रहना चाहिए कि आप चीट कर रही हैं, आप उसको धोखा दे रही हैं लड़की को. एकदम वो केयरिंग हो गया. फिर वो नानी की तबीयत ख़राब, अच्छा मैं चला जाता हूँ, ये वो निकल गया अपने कैरेक्टर से. और उससे पहले वो कितना परेशान था सारा के लिए कि भाई इसके साथ लड़की के साथ धोखा हो रहा है, शी इज़ माई फ्रेंड. तो अब्दुल का कैरेक्टर भी इस दफ़ा नोज डाइव किया है, गड़बड़ हुआ है. और उसी ने फिर फ़ोन कर दिया शर्म के मारे कि मुझे पता चल गया तुमने क्यों नहीं बताया मनहूस, तुम बता देते कि तुम्हारा भाई तो मेरे साथ ऐसे कर रहा है. और इसको बता देना चाहिए था अब्दुल को. मुझे नहीं अच्छा लगा क्योंकि ये अच्छा कैरेक्टर था. जब हमज़ा ने इसको बोला बता दो उसको, जब इसने कहा कि मैं बताऊंगा, क्यों नहीं इसने बताया, इसने अपने कैरेक्टर को डैमेज किया. तो राइटर को यहाँ करना इस तरह चाहिए था कि डिस्क्लोज अब्दुल ही इसको करता और इसके साथ जाती और देखती. राइटर को ना अगर इन दोनों को मिलाना था ना, हमज़ा और आयज़ा को, तो सिचुएशंस बेहतर बनानी चाहिए, बेहतर थी, बहुत वीक. बिल्कुल हाँ, अब वो भी राइटर को भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इन लोग इनको मिलाऊं कैसे. स्कूल जो एक बहाना है वो इरिटेटिंग हो गया है. ये हॉस्पिटल का सीक्वेंस अगर बेहतर रीज़न होता उसका, मतलब एक्सीडेंट हो गया, किसी से टक्कर हो गई, कुएं में गिर गई, कुछ भी कर लो यार, वापस आ गई, कुर्ता ना हिलाते. वो बहुत लॉजिकल था कि क्या. अच्छा दूसरा, हमारे ड्रामा में जब ऐसी दो तीन दफ़ा बहन को बेहोशी हो ना तो कुछ सीरियस बीमारी का होता है. तो इसने तो मुझे बिल्कुल ही हैरान कर दिया. फिर बिल पे लड़ाई हो गई, फिर वो भी शहराम ने दे दिया. शहराम इज़ एवर रेडी, हमेशा जब भी कुछ मसला होता ना वहीं होता है, साथ वाली दुकान में ना हमेशा. राइटर को हम इसको मेगा सिचुएशंस बताएं कि ऐसे मिला दो ऐसे भी हो सकता है. तो सिक्स हाँ, जो नंबर दिए फॉर दैट सीन ओनली, फॉर वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन. सो आई गेस आई वाज वाचिंग अनदर ड्रामा. कासिम अली मुरीद जो एग्जीबिशन में दिखाई उसमें आपके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए बुक्ड है नेक्स्ट ईयर. तो एग्जीबिशन और स्कूल के जब भी सीन आता है ना तो एक अब दिल से गुर्दे से आह निकलती है, नो मोर प्लीज़. ये जाने जहाँ का जो स्कूल है ना इसको ले डूब रहा है, क्योंकि सीन्स बहुत, जब भी स्कूल का आता है ना बदमजगी हो जाती है, लगता है एकदम ड्रामा सस्ता हो जाता है. कहाँ गया खर्चा, हालांकि ग्रैंड प्रोडक्शन है, बहुत खर्चा हुआ इस पर, लेकिन ओवरऑल स्कूल का वो अच्छा शूट नहीं कर सके. बच्चे दिखाने, गाँव वाले दिखाने, टीचर दिखाएं, कोई टीचर्स दिखाएं, इट डज़ नॉट लुक लाइक अ स्कूल. पहली बात तो ये कोचिंग लगता है, कोचिंग सेंटर है, पता नहीं क्या ये, लेकिन ये ड्रामे को अफेक्ट करता है इन अ बैड वे. हाँ. तो ये और आप स्कूल का बड़ा अहम रोल था. हाँ. मतलब स्कूल की वजह सारा हो रहा है, ये अच्छा शूट करना चाहिए था. अब हॉस्पिटल तो डायरेक्टर ने मायूस किया. दो एपिसोड्स जाने जहाँ के थे थ्रू आउट, मैं इसको बड़ा इन्जॉय करती रही हूँ. ये मेरे मैार पे पूरा नहीं उतरे, स्लो थे, ड्रैग थे, नहीं होते तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ना था, कुछ ना होता. तो एग्जीबिशन में कितने नंबर हैं आपके पास? 5 ओके जॉब, स्टिल ओके जॉब. अगर तुम मेरा कुछ कहना यूज़लेस है तो मैं कासिम आपको दे रही हूँ 7. इनसे आप बिल्कुल बात ना करें. वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब. मुझे तो आई लाइक आई सेड आई एंजॉयड इट. ये ना सो इट्स कुछ कोई गुच्चू भाई इनके लिए गिफ्ट लेके आए थे उस टाइम, वो सर पे मसाज कर रहे थे. मैं सुबह को देखा, वेरी हैप्पी मूड. आज सुबह देखा. आप इतनी अच्छे मूड में क्यों थे आज सुबह? हां सुबह अच्छे मूड में क्यों थे? फ्रेश होता है मेडे के बाद. क्या बात है, छुट्टी सूट की आपको. ये भी होता है वैसे, बात ये सही है कि आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में ड्रामा देख रहे हैं. बिल्कुल, अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई है ना, आप कोई भी ड्रामा लगा लो, हमजा भी हो सामने, आपको नहीं अच्छा लगेगा. सॉरी, आपकी किसी से लड़ाई हुई थी? आप मुझे बताइए. नहीं, मेरी कोई लड़ाई नहीं थी, मुझे तो वैसे दुख दिया ड्रामे ने. सच बोलूंगी तो आयजा के फैंस नाराज हो जाएंगे, और जो बोलूंगी तो मेरा अपना दिल जो है ना, मुझे लोगों के फैंस नाराज किए मैं नहीं. वो आयजा का कसूर नहीं, जिसमें ये एपिसोड्स वीक थे, ये सीन्स वीक थे. जब वो आया है उसके बाद चली गई, वो जब बहन से मिलने आया, आयजा निकल जाती है कमरे से. हालांकि जो भी एक आदमी, उसके लिए तो स्ट्रेंजर, आप अकेले अपनी बहन के साथ किसी आदमी को ऐसे नहीं छोड़ेंगे.
सुन बड़ी बहन को बैठना चाहिए, वो मिलने आया है, मेरा जानने वाला है, अकेली बहन के साथ मैं, वो भी लेटी हुई है, वो भी बीमार है, वो तो राइटिंग आई नो, लेकिन वो सिचुएशन उस कैरेक्टर को वीक करती है. तो आयजा के लिए ये एपिसोड्स अभी तक जाने जहाँ के कितने एपिसोड्स हैं उसमें वीकेस्ट थे, सीन्स अच्छे लिखे हुए नहीं थे, सीन्स अच्छे बने नहीं और बड़े छोटे स्केल पे एग्जीक्यूट हुए. उसको खुद भी फील होगा, इतनी मैच्योर एक्ट्रेस है, उसको लगा होगा कि यार ये क्या एग्जीबिशन, ये क्या स्कूल में, व्हाट एम आई डूइंग. तो उसकी वजह से उसका काम इफेक्ट हुआ है. तो नंबर्स कितने आपके पास? सो दिस वाज नॉट, मतलब इस हफ्ते तो बिल्कुल और लास्ट वीक इंप्रेसिव नहीं था. 5 ओके जो आप, एंड नॉट अ फॉल्ट, जस्ट बिकॉज़ इट वाज रिटन बैड. मैना जी अगेन, शी इज नथिंग